शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अजीज़ा ने गिरामी, कल बकरीद है, खुशी का दिन है, इसमें कुर्बानियाँ होती हैं। मेरी आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि आप इन तमाम बातों का जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ पूरी तरीके से ख्याल रखें। एक तो ये कि कुर्बानी उन जानवरों की हरगिज़ ना करें जिन कुर्बानियों पर हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और वो उनकी कुर्बानी हमारी हुकूमत में ममनू है और मना की जाती है। दूसरे, कुर्बानी पर्दे के साथ हो और सड़कों पर ना हो, ऐलानिया तौर से ना हो, पर्दे के साथ हो। और उन जानवरों के जो बाकियात हैं, खोजली वगैरह हैं, छीछले वगैरह, हड्डियाँ वगैरह हैं, उन सबको वैसे ही ना डालें बल्कि किसी थैलिया में बंद करके और फिर उसको वहाँ डालें जहाँ पर वो उनको जान डालने का इंतज़ाम किया गया है, ट्राली में डालें। इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि ईद की नमाज वाजिब है, पढ़ें, लेकिन हमारी हुकूमत का जो इस सिलसिले में ऐलान है कि सड़कों पर नमाज ना हो, तो इसका पूरा ख्याल रखा जाए कि सड़कों पर नमाज ना हो, मस्जिदों के अंदर हो, ईदगाह के अंदर हो, और सड़कों के ऊपर हरगिज़ नमाज ना पढ़ी जाए। तो ये चंद बातें हैं जिनका आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जो अधिकारी हैं, अफसरान हजरात हैं, वो इस सिलसिले में आपको आगाह करते रहते हैं। हमें खुद भी अपने तौर से इसका ख्याल रखना चाहिए और उन हजरात के आर्डर का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। वाकु दावाना अलहमदिल्ला।